तो आज अच्छा एक और वीडियो लेके एंड इस वाले वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाला थंबनेल जो कि मैंने अपने रिसेंट जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी तो उसमें मैंने थंबनेल लगाया था। एंड वो वाली जो स्ट्रीम थोड़ी सी गंदी स्ट्रीम हुई थी एक्चुअली, मतलब कि मैं लैग हो रहा था, पिंग फ्लक्चुएट हो रहा था, ना मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास स्क्रीन शॉट भी है, वो भी दिखा दिया मैंने, चलो आपको ये था, लेकिन भाई हो रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ एंड कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी जब हम वाईफाई लगवाएंगे तब हम आगे फ्यूचर में स्ट्रीम करेंगे, फिलहाल तो वीडियोस आएगी एंड आज शायद से मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ, शायद से प्रोबेबली अमोंग अस एंड माइनक्राफ्ट प्लस एक और गेम है उसकी स्ट्रीम कर सकते हैं, ट्राई करेंगे। तो तब अभी के लिए आप ये वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आप थंबनेल ट्यूटोरियल देखो एंड आप फिर लगा सकते हो अपने जो भी आपका लाइव स्ट्रीम है उसमें आप थंबनेल लगा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर लाया तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उसी से रियल सपोर्ट मिलता है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है ना अपने पीएस टच में, उसके बाद एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है जो कि होगा 1280 यानी कि 1280x720। इसका एक स्क्रीन ले लेनी है, उसके बाद आपको एक इमेज ऐड करनी है, मेरे पैक में है वो इमेज, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन खोलो, लिंक पे टैप करो एंड डाउनलोडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। तो मैं भी वो वाली इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख रखी है, तो मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट करी है तो मैं ये वाली लगाऊंगा। आप कोई भी लगा सकते हो या फिर जो मैंने पैक में दिया है वही लगा सकते हो, जो ये है। एंड इसके बाद क्या करना है, देखो हमें जो इतना एरिया है ना इसमें हमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, हमें इधर कुछ डिज़ाइन बनाना है एंड हमें इतना पार्ट रिमूव भी करना था। तो क्या करना है, हमें एक डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए पॉलीगन सिलेक्शन टूल। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लेफ्ट साइड में, वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और शो पॉइंटर को इनेबल करके एक डिज़ाइन बनाऊँगा मैं, ऐसे जैसे करके मैं बना रहा हूँ, ऐसे आप भी बना सकते हो या फिर सीधा एक रेक्टेंगल बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा बना लो या फिर अपना कोई भी डिज़ाइन बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस पर। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैं इधर बना रहा हूँ वैसे ये बन चुका है एंड अभी क्या करना है, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा आगे लाना है क्योंकि बहुत सारा एरिया भी बचा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो हाइट पॉइंटर करूँगा एंड एंड पे जाके ट्रांसफॉर्म करूँगा इसको, थोड़ा सा आगे ले आऊँगा क्योंकि वो बहुत पीछे था तो इतना कट नहीं हो रहा था एरिया, अब थोड़ा एरिया ज़्यादा मिल चुका है हमें, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड वापस हमें अपना जो रेक्टेंगल वाला लाइन स्क्वायर वाला टूल है वो ले लेना है। उसके बाद एक और इमेज ऐड कर लेनी है, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना। तो मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे ऐड कर ली, तो इस इमेज को सबसे पहले मैं ओपेसिटी इसकी कम कर दूँगा एंड ट्रांसफॉर्म करूँगा, इसको मैं लेफ्ट साइड में लगाऊँगा। ओके, तो मैं भी लगा रहा हूँ, आपको इसको ढंग से प्लेस करना है जैसे ये बंदा दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद वो करना है जो नीचे वाली फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके ऊपर वाली फ़ोटो पे जाना है एंड उसे क्लियर कर देना है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना आपको, क्लियर करना है। ओके, क्लियर कर लेना है। इसके बाद आपको जो नीचे वाली फ़ोटो है उसको जाके ये जो सेकंड वाला है ऊपर जो टॉप पे है सेकंड, उसको क्या करना है आपको ब्लैक एंड वाइट कर लेना है, ठीक है। ऐसे देखो, एक मिनट, गलत टाइप हो गया। हाँ, अब सेकंड पे जाऊँगा, इसके सेलेक्ट पिक्सल कर लूँगा एंड इसको ब्लैक एंड वाइट दे दूँगा। ओके, इतना करने के बाद आपको करना है ऊपर वाली जो लेयर है उस पर सेलेक्ट पिक्सल करके एफएक्स में जाऊँगा और लाइटिंग दूंगा इसको। लाइटिंग आपको देना है कोई भी कलर से दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपके टोटली आपके पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर से आपको अपना थंबनेल बनाना है, जैसे कि रेड, ब्लू, नीला, पीला, छीला, कुछ भी चलेगा। तो मैं पीला कलर दे देता हूँ, मैं ऑरेंज भी दे सकता हूँ या फिर ओकर टाइप का कलर होता है वो देते हो तो थोड़ा ठीक लगता है एंड ये थोड़ा येल्लो बढ़िया लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी एंड स्पेक्चुअलिटी जो भी है उसको देख लो ना एंड लीनियर, इसको फिर मैं लीनियर डॉज ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, इतना करने के बाद क्या करना है, हमें एक फिल स्ट्रोक करके एक एम्प्टी लेयर में काला कलर से फिल स्ट्रोक करके इसको इधर प्लेस करना है जैसे मैंने करा है। तो मैंने आपको जैसे एम्प्टी लेयर तो आपको ही आता होगा और फिल स्ट्रोक करना भी आता ही है, नहीं आता है तो भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब मत करो, छोड़ो, फिर उसको रहने दो, इतना नेसेसरी नहीं है वो, ठीक है। वो जस्ट एक चीज़ थी, मतलब जैसे कि हाईलाइट होता है ना, टच होता है वो था। उसके बाद एक मैंने इमेज ऐड करी है और भाई
ये जो मैं जाना बहुत ज़्यादा रेयर टाइप कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन सीज़न 16 की इमेज है गाइज, ये सीज़न 16 की है एंड इरेज पिक्चर है, इसके बैकग्राउंड मैंने इरेज करे हैं। तो भाई तालियां तालियां। और भाई अगर आपको ये इमेज चाहिए तो भाई पहले सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, देन डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर टैप करो, मिल जाएगा आपको। फिर जो इस इमेज की जो हम सैचुरेशन फुल कर देंगे, इसको हम दो बार ऐसे ये प्रोसेस को हम दो बार करेंगे एंड तीसरी बार हम जो सैचुरेशन में डालेंगे उसका जो परसेंट है वो 16% to 17% रख दूंगा इसको मैं। इसके बाद ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में आकर ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। तो इतना करने के बाद आपको एक अलग ही पिक्चर दिखेगा, मतलब अलग ही ग्लो टाइप का आ जाएगा आपको पिक्चर में, आई मीन थंबनेल में जो भी है। इसके बाद आपको ये फॉन्ट ऐड करना है, लेकिन उससे पहले आपको करना है इसके सिल्क पिक्सल कर लेना है जो कि ये जो हमारा सीजन 16 का इमेज है। उसके बाद एक एम्प्टी ले लेके इसको फिल स्ट्रोक करना है वाइट कलर से। आप 2px का कर सकते हो या फिर 4px का कर सकते हो, 3px का कर सकते हो, 3px का कर सकते हो, कुछ भी यार, 2 से 5 तक या 2 से 4 से बीच में कर सकते हो। उसके बाद हम इसे दे देंगे ग्लास इफेक्ट, जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे आप देना, ठीक है। उसके बाद हमें इसको देना है ग्लो इफेक्ट जो कि रेड कलर से, ब्लैक कलर से बिल्कुल मत देना। अगर मैं ब्लैक कलर से देता हूँ ना कुछ ऐसा कलर आएगा, देखना ब्लैक कलर से दोगे ना बहुत गंदा कलर आएगा। तो मैं एक रेड या फिर ऑरेंज कलर का एक दे सकते हो आप ग्लो। उसके बाद मैंने एक फॉन्ट ऐड कर लिया है, एक नहीं वैसे 2-3 फॉन्ट ऐड करे, लेकिन यहाँ पे अमोंग अस का लिखा हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड अब मैं 2 फॉन्ट पढ़े हैं, डोमैक्स इज लाइव, ठीक है 2 फॉन्ट है एंड डोमैक्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और मेरे को एक्स को हटाना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा लंबा करूँगा, आई मीन नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा। उसके लिए मेरे को इसका लॉक एक्सपेक्ट रेशियो है इसको अनलॉक करना पड़ जाता है, उस पर टैप करोगे अनलॉक हो जाएगा। ओके देन आपको ये करना है, मैं एक्स को बाहर ही निकाल देता हूँ क्योंकि एक्स की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि डूम ही ठीक है। ओके तो इतना करने के बाद आपको जो इस लाइव है उसको प्लेस कर देना है, उसको कोई उससे कोई खींचातानी नहीं करनी, इस लाइव को जैसा है वैसा ठीक है। ओके देन उसके बाद क्या करना है, आपको करना है डोम के सिल्क पिसल करके आपको उसको ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो, ये देखो जैसे मैंने ब्लू वाला ग्रेडियंट दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारे जो कलर्स उसको पीछे कर दिए एंड 2 कलर बीच में रख दिया, आई मीन 1 कलर बीच में रख दिया और साइड में 1 कलर है। तो इस प्रकार से आप ग्रेडियंट दे सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका आई थिंक अच्छा नहीं लगेगा। तो एक और तरीका है इसको ग्रेडियंट देने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके एक मिनट, पहले ये वाला देख लो, ये कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट होगा इसका। लेकिन एक और तरीका है, आप सीधा एक फर्स्ट में एक रेड लो और लास्ट में एक पीला लो और कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट दे दो, तो ये बेस्ट तरीका है ओके ग्रेडियंट देने का, ठीक है। एक और तरीका है, लेकिन अगर आप वो देते हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट में एक चीज़ ऐड करूँगा ना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो वो तरीका नहीं कर रहा मैं। शाइनी इफेक्ट जो होता है वो अभी नहीं दे रहा मैं। तो इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया डूम वाले लेयर को, मैंने गलती से फ्लिप एक्स पे दबा दिया था, उससे थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन कोई नहीं मैं वापस क्लिक कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। एक मिनट ये देखो मैंने क्लिक कर दिया फ्लिप फाइव पे एंड वापस डूम लिखा आ गया उल्टा करके। अभी क्या करना है, इसके सिलेक्ट पिक्सल करना है, एंड पे जाना है, आई मीन पहले एम्प्टी लेयर बना लेना, ठीक है एम्प्टी लेयर बना लिया। और उसके बाद एंड पे जाके एक फिल स्ट्रोक देना है इसको पीले कलर से 4px या 3px का, फिर टिक कर देना है एंड वापस ग्लास इफेक्ट में जाकर इसको ग्लास इफेक्ट देना है। ओके इतना करने के बाद आपको जो डूम वाली लेयर थी उसको डिलीट कर देना है। मैंने पहले ही वॉइस ओवर कर दिया ताकि मेरे को बार में बोलना ना पड़े, तो अभी तुम देखो जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ तो बढ़िया ऐसा कर लिया मैंने। उसके बाद आपको करना है इसको स्नैप ऑन ऑफ करके आप उसको ढंग से प्लेस करना है। उसके बाद उसको डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है और उसको इस तरीके से प्लेस करना है। देन आपको देख सकते हो बीच में थोड़ा सा अगर गंद सा लग रहा है तो उसको क्या करेंगे हम एक स्क्वायर आई मीन रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से। देख सकते हो पहले गंदा सा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा इस तरीके से। बढ़िया, अब क्या करूँगा इसको क्लियर कर दूंगा। ओके ऐसा करने के बाद आपको करना है जो पीला पीला जो बैकग्राउंड वाला लेयर है, आई मीन जो पीला पीला जो आप लाइंस बनाएंगे वो आपको पीछे कर देनी है अपने डूम वाले फ़ोन को। अभी थोड़ा ग्रो नहीं आया लेकिन अभी आ जाएगा। आपको करना है डूम वाले फ़ोन को से पहले क्या करना है, आपको जो आपने सेकंड वाली जो स्ट्रोक बनाई थी उसको थोड़ा सा ओपेसिटी उसके कम कर देनी है। ओके तो ये आपकी मर्ज़ी आपको करना है क्या नहीं, ठीक है मैं कुछ फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन अब क्या करना है, आपको डूम वाले फ़ोन को करना है ग्लो देना है। ग्लो देना आपको रेड कलर से नहीं देना है, काला कलर से देना है। किस कलर से देना है, ब्लैक कलर से देना है। ओके इतना करने के बाद आपको क्या करना है,
सब बताऊंगा गाइस। सब्सक्राइब तो कर ही देगा ना, तुमने अभी तक नहीं करा तो कर दो यार। देखो हमारा बन चुका है ये, लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जो इस लाइव है उसको भी थोड़ा सा ग्लो दूंगा, और थोड़ा सा दूंगा 6 से 7 का मैं इसको ग्लो दूंगा। मैंने गलती से 77 टाइप कर दिया, लेकिन मैंने बाबा ठीक कर दिया था, वो बाबा नहीं दिखा रहा मैं, तो आपको 7 का ग्लो देना है इसको। एंड एक पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, तो आप भी उस पिक्चर को ऐड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, मज़े करो, ऐश करो। तो हमारा ये बन चुका है थंबनेल, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो करो यार, जाके करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई अब ये मेन चीज़ है, देखो हम करने वाले हैं आज रात को स्ट्रीम शायद से अमंगस की, अगर आपको भी मेरे साथ अमंगस खेलना है तो ज्वाइन करो मेरा डिस्कॉर्ड जो कि है लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड